हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ट्यून ऑटो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई यामाहा R15 बाइक की लॉन्चिंग के बारे में। जापानी बाइक निर्माता यामाहा ने आखिरकार भारत में नई R15 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अपनी 155 सीसी स्कूटर यामाहा एरोक्स को भी लॉन्च कर दिया है। नई यामाहा R15 अपने चौथे जेनरेशन के मॉडल में पेश की गई है। यामाहा ने अपनी इस एंट्री लेवल बाइक को दो वेरिएंट्स R15 और R15M में पेश किया है, जहां R15 की कीमत 1,67,800 रुपए है, तो वहीं R15M की कीमत 1,77,800 रुपए एक्स शोरूम की रखी गई है। नई यामाहा R15 की बात करें तो इसका डिज़ाइन अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बिल्कुल अलग है। बाइक के डुअल हैंडल क्लस्टर को अब हटा दिया गया है, इसकी जगह पर अब सिंगल पॉड LED हेडलाइट यूनिट LED पायलट लैम्प के साथ दिया गया है। ये डिज़ाइन में काफ़ी हद तक यामाहा R7 स्पोर्ट्स बाइक के जैसा है। 2021 R15 में ज़्यादा एग्रेसिव फेयरिंग, मस्कुलर फ्यूल टैंक और लंबी विंड स्क्रीन मिलती है। स्पोर्टियर स्टाइलिंग डिज़ाइन के बाद जापानी ब्रांड का दावा है कि R15 अभी भी काफ़ी आरामदायक है और इसे हर रोज के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है। नए R15 को दो वेरिएंट्स स्टैंडर्ड और M में उपलब्ध किया गया है, जिसमें M वेरिएंट हाई स्पेक मॉडल है। R15M बाइक एक अलग स्पोर्टी डिज़ाइन एलिमेंट में आती है। इसमें अलग डिज़ाइन की सीट और गोल्डन ब्रेक कैलिपर लगाए गए हैं। मोटरसाइकिल में दो डिस्प्ले मोड स्ट्रीट और ट्रैक के साथ एक LCD डिस्प्ले यूनिट लगाया गया है। R15 वर्जन 4 में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वाई कनेक्ट सिस्टम दिया गया है। ये कॉल और मैसेज अलर्ट, रियल टाइम माइलेज, इंजन RPM, ऑल फंक्शन नोटिफिकेशन, पार्किंग रिकॉर्ड, बाइक लोकेशन, राइड हिस्ट्री समेत अन्य कई जानकारियाँ प्रदान करता है। नई R15 भारत में 155 सीसी की पहली बाइक है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दिया गया है। नई R15 में 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगाया गया है, जो कि 19 bhp की पावर के साथ 15 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पहले की तरह ही इस इंजन को स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। हालांकि R15M और रेसिंग ब्लू वेरिएंट को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्विक शिफ्टर भी मिलता है। 2021 यामाहा R15 में मोनोशॉक के साथ इन्वर्टेड फ्रंट फोक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS भी दिया गया है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।